हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको ये एरर आ रहा है बायस लेगेसी बूट ऑफ UEFI ओनली मीडिया, अगर फ्रेंड्स आपने आपके लैपटॉप के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर विंडोज इंस्टॉल किया है और जब वो रिबूट के बाद आपको ये स्क्रीन पर आके यहाँ पर लाके छोड़ देता है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपको कब होता है? ये प्रॉब्लम आपको तब होता है अगर आपने विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पर, अगर आपने जो आपका USB है, जो बूटेबल USB है, अगर आपने UEFI मोड के अंदर बनाया है, ठीक है, और जबकि आपका जो BIOS के अंदर लेगेसी मोड सेलेक्ट है, तो ये प्रॉब्लम आपको तब आता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये फिक्स कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी की प्रेस कर देना है कीबोर्ड से, जैसे कि मैं यहाँ पर एक की प्रेस कर देता हूँ और मुझे इसका BIOS के अंदर जाना है। BIOS के अंदर जाने के लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस कर रहा हूँ मैं। हो सकता है आपका कोई और बटन वर्क करे BIOS में जाने के लिए, तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। हो सकता है आपका जो ये लैपटॉप है BIOS में जाने के लिए F2 का यूज़ होता हो, या फिर F12 का, या फिर डेल बटन का भी यूज कर सकते हो आप आपके लैपटॉप के BIOS के अंदर जाने के लिए। आपको चेक करना है कि आपका BIOS के अंदर कौन सा की प्रेस करने से जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर BIOS के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये बूट सीक्वेंस है आपको इधर जाना है और आपको यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर उसको आपको नीचे कर देना है। ये वाला जो HDD है आपका यहाँ पर ऊपर कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो ऊपर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको बूट लिस्ट ऑपरेशन करके एक लेगेसी ऑप्शन सिलेक्ट यहाँ पर मिलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर UEFI ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको चेक करना है कि जो आपका लैपटॉप का BIOS के अंदर आपका लेगेसी ना सिलेक्ट होके UEFI ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एडवांस बूट ऑप्शन के अंदर आपको आना है। यहाँ पर भी आपका जो ये ऑप्शन है इनेबल लेगेसी ऑप्शन रोम, ये वाला ऑप्शन अनचेक कर दीजिए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको अनचेक कर देना है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको आ जाना है, यहाँ पर ये साटा ऑपरेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपका AHCIE ऑप्शन आपका सिलेक्ट होना चाहिए, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ अप्लाई बटन मिलेगा, आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। हो सकता है आपके जो लैपटॉप है उस BIOS के अंदर आपको F10 प्रेस करने से आपका ये सेटिंग सेव होता होगा, ठीक है। तो आपको F10 भी, अगर ये ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको F10 प्रेस करना है। ये सेटिंग करने के बाद आपका ये सेटिंग सारा सेव हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर ओके कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ये सेटिंग सेव हो चुका है, अभी मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, F10 प्रेस करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा PC था वो प्रॉपर बूट हुआ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जो हम लोगों को एरर आ रहा था अभी वो एरर नहीं आ रहा है और हमारा जो विंडोज इंस्टॉलेशन है आगे कंटिन्यू हो चुका है, ठीक है, स्टार्टिंग सर्विसेज। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद अगर एरर आ रहा है आपको, वो आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।